एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक और एग्जांपल अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपका वेरिएबल पावर में है, एक्सपोनेंट में, और आप बेसिस को सेम नहीं बना सकते। तो एक तरीका ये कि फिर आप दोनों साइड्स पे लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग ऑफ द राइट हैंड साइड। तो आपके पास यहाँ पर 2x कोफिशियंट में आ जाएगा, लॉग ऑफ 3। यहाँ पर x प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इसको x टाइम्स लॉग ऑफ 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर x टाइम्स लॉग ऑफ 4 और प्लस 5 टाइम्स लॉग ऑफ 4 आ जाएगा। 9 माइनस एक्स लॉग 4 लिख देते हैं, इक्वल टू 5 लॉग 4। अब इसमें से x को कॉमन कर लेते हैं तो log 9 माइनस log 4 आ गया, और 5 टाइम्स log 4 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस ब्रैकेट को दूसरी साइड पर मूव कर देते हैं। log 4 डिवाइडेड बाय log 9 माइनस log 4। तो यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा 8.55, क्योंकि अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने आंसर दे दिया। तो इस तरह ये वाली इक्वेशन एक्सपोनेंशियल सॉल्व होकर इसकी भी वैल्यू हमें मिल गई। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel, and press the bell icon so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.